हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट इडली लेकर के आई हूँ। ये बिना इनो का और बिना बेकिंग पाउडर का ही बना हुआ है, ये आप तुरंत बना सकते हैं। ये मैंने सोया चूरा और नारियल के द्वारा मैंने ये इडली बनाया है। ये आपको तुरंत, आपको खाने का मन करे तो ये तुरंत आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। इसके लिए मैंने चूरा लिया है, चूरा मैंने आधा किलो के करीब में लिया है। साथ ही मैंने हरा सोए का पत्ता लिया है, इसको मैंने धुल लिया है। इसके डंठल भी काफ़ी मुलायम है तो मैं इसके डंठल का भी यूज करूँगी। आप इसका रेशियो आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही मैंने ये चूरा को मिक्सर में पीस लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये महीन हो चुका है। और साथ ही मैं सोए को भी मिक्सी में पीस लूँगी। और साथ ही आपको कच्चे नारियल को भी पीस लेना है, मैंने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ है। ये देखिए मेरा चूरा तैयार है और साथ ही मैंने जो सोए के पत्ते का पेस्ट भी मैंने बना लिया है। आपको एक पाव सोए का पत्ता लेना है और आधा किलो ये मैंने चूरा लिया था। आपको ऐसे ही पेस्ट बनाना है बिल्कुल बारीक। साथ ही मैंने नारियल को भी ये पीस लिया था, ये कच्चा नारियल है। आधा नारियल का यूज आप चटनी बनाने के लिए कर सकते हैं और आधा नारियल आप इडली में डाल सकते हैं। इस तीनों का कॉम्बिनेशन से इडली इतना बेहतरीन और स्वादिष्ट बनता है। और साथ ही मैंने 2 बड़ी चम्मच दही का मैं यूज करूंगी। ये मैंने चूरा का जो मिक्सचर है ये मैंने एक पतीले में डाल दिया है। साथ ही मैंने ये कच्चा नारियल जो मैंने पीसा हुआ है ये इसमें ऐड करूंगी मैं। और इसमें जो है सोए का पेस्ट जो मैंने बनाया है उसमें डाल देना है आपको। और साथ ही स्वाद अनुसार आप नमक इसमें डालिए। और मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें दही यूज किया है, दही खट्टा हो तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है और आवश्यकता अनुसार आपको पानी इसमें डालते रहना है, क्योंकि चूरा है तो चूरे में ऑलरेडी पानी ये बहुत ज़्यादा सोखता है और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो आपको अपने आवश्यकता अनुसार इसमें पानी को ऐड करिए। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। ये आपको तीनों मिक्सर को अच्छे से मिला लेना है। इसमें चूरे और सोया और जो नारियल है आपको अच्छे से उसका स्मूथ सा आपको पेस्ट बना लेना है। ये मेरा पेस्ट रेडी है तो आप आवश्यकता अनुसार इसको और पानी डाल करके एक अच्छा सा पेस्ट आप बनाइए बिल्कुल थिक। और आपको इसको रेस्ट करने के लिए आधा घंटा तक आपको इसको रेस्ट करने देना है और उसके बाद आप इससे इडली बनाइए। मैंने ये रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब मैं आधे घंटे या 20 मिनट आप इसको रेस्ट करने के लिए रखें। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल और भी इसका पानी बिल्कुल फूल चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं इसको इडली बनाने के लिए, ये रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और थोड़ा सा इसके पेस्ट को पतला करूंगी। ये मेरा पानी बिल्कुल खोल चुका है और मैं थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब में घी लूंगी और इसको आपको घी को अच्छे से इडली मेकर में आपको लगाना है ताकि ये अच्छे से इडली निकल सके। आपको इसको कुकर में सीटी निकालने के बाद आपको 20 मिनट तक आपको कुकर में रखना है। ये अच्छे से पक जाता है और अगर आपने चाकू से इसको डालिए 20 मिनट बाद, वैसे तो 20 मिनट तक में ये अच्छे से कुक हो जाता है। अगर आपके चाकू में चिपकता है तो आपका ये इडली पका नहीं है।
और अगर ना चिपके तो इडली आपका पक गया है। ये मैंने 20 मिनट तक इसको सीटी इसका निकाल करके गैस पे मैंने पक रख दिया है और मेरा इडली बिल्कुल रेडी है। और आपको ये नारियल की चटनी की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। और आपको कोई रेसिपी और आपकी स्पेशल कोई रेसिपी है तो प्लीज़ उसका रेसिपी शेयर करिए, मैं उसे अपने चैनल पर बनाऊँ।